बिहार में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर लोग नौकरी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में निगरानी विभाग की जांच जारी है। इसके बाद अब इससे जुड़ी एक याचिका पर पटना हाई कोर्ट में 28 अगस्त 2023 को सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट में रंजित पंडित के जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई करेगी। दरअसल पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार और निगरानी विभाग ने हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि 77,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फोल्डर नहीं मिल रहा है, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे, जिसके तहत सभी संबंधित शिक्षक अपनी डिग्री और अन्य कागजात प्रस्तुत कर सके। पटना कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय के भीतर कागजात और रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मालूम हो कि इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट में बताया था कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं, साथ ही वे वेतन भी उठा रहे हैं। इससे पूर्व कोर्ट ने 2014 के एक आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक है, उन्हें यह अवसर दिया जाता है कि वे खुद अपना इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। इधर कोर्ट ने मामले को निगरानी विभाग को जांच के लिए सौंपा था। उन्हें इस तरह के शिक्षकों को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया गया था। 31 जनवरी 2020 की सुनवाई के दौरान निगरानी विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा इनके संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, लेकिन अभी भी 1,10,000 से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था। अब मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त 2023 को होगी। बताते चले कि बिहार में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षकों की जो नौकरी है वो उसकी बातें सामने आ रही थी। हालांकि इस मामले में निगरानी विभाग की जांच अभी जारी है। इसके बाद अब इससे जुड़ी जो याचिका है उस पर पटना हाईकोर्ट में रंजित पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई करेगी। दरअसल पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार और निगरानी विभाग ने हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि 77,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फोल्डर नहीं मिल रहा है, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे, जिसके तहत सभी संबंधित शिक्षक अपनी डिग्री और अन्य कागजात प्रस्तुत कर सके। इसी के साथ साथ पटना हाईकोर्ट ने वो शिक्षक जिनकी डिग्री फर्जी है उन्हें ये मौका भी दिया था कि वो इस्तीफा दे दें, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 28 अगस्त को अब इस मामले में सुनवाई होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन शिक्षक जो कि फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके की कार्यवाही होगी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करें। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।